अभी तक सांस ले रही है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी ब्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं जबरदस्त एक मस्ती रेसिपी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, बड़ा बड़ा दो मछली और बिल्कुल एक ताजी दो मछली। तो इससे हम आज एक बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाने वाले हैं। दोस्तों, तुम्हारा एरिया पे इस मछली को क्या बोलकर पुकारते हैं जरूर कमेंट करके बताना। तो देखो, तुम लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो चलो दोस्तों, मछली को मैं पहले काट लेती हूँ। अभी तक सांस ले रही है। मछली को तो हमने काट लिया है और अच्छे से भी धो लिया है। तो आज हम बनाने वाले हैं मछली फ्राई रेसिपी। तो इसलिए हमने मसाला रेडी भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, नमक, हल्दी, लहसुन, सूखी मिर्च, कच्ची मिर्च, अदरक, जीरा भी है, गरम मसाला, प्याज और टमाटर। तो मसाला को मैं पहले पीस लेती हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं अदरक और सूखी मिर्च, कच्ची मिर्च को पीस लेती हूँ। अदरक और सूखी मिर्च को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब मैं पीस लूंगी जीरा को। देखो, प्याज भी पीस लिया है, लहसुन को भी पीस लिया है, जीरा, और यहाँ पे तो तुम लोगों को दिखा दिए हूँ पहले। तो यहाँ पे है सूखी मिर्च, अदरक, और हो गया है हमारा सारा मसाला पिसाई करना कॉम्प्लीट। तो अब मैं मछली को हल्दी और नमक से मखा लेती हूँ। दोस्तों, इस मछली से मछली फ्राई खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस मछली टेस्टी बना देता है। तो दोस्तों, हमारा तो मछली मखाना कॉम्प्लीट हो गया है। अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो ज्यादा सरसों का तेल नहीं लगता है इस मछली को भाजी करने से, मछली से ही तेल निकलता है।
कॉम्प्लीट हो गया है। अब इसमें हम दे देंगे सरसों का तेल। तो मसाला फिश फ्राई के लिए हम पहले दे देंगे जीरा को। तो अब हम दे देंगे इसमें प्याज को जो हमने पीस के रखे थे। अब हम इसमें दे देंगे लहसुन को। अब दे देंगे जीरा को। अदरक और सूखी मिर्च। तो दोस्तों मसाला को अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करना पड़ेगा, लगभग 5 मिनट तक। तो दोस्तों अब हम दे देंगे टमाटर को। तो टमाटर को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना पड़ेगा। देखो टमाटर तो अच्छे से गल गया है और मसाला से तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें दे देंगे मसाला वाला पानी और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक। मसाला को अच्छे से कसना पड़ेगा, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो कसने के लिए मैं थोड़ी सी और पानी दे देती हूँ। तो दोस्तों मसाला को हमने 15 मिनट तक अच्छे से कसा लिया है, तो इसमें हम थोड़ी सी पानी दे देंगे। तो इसका पानी अच्छे से उबलने के बाद हम मछली को छोड़ देंगे। तो दोस्तों पानी तो अच्छी तरह से उबल गया है, तो इसमें हम छोड़ देंगे मछली को जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो मैं एक एक करके छोड़ देती हूँ।
तो दोस्तों थोड़ी देर हम इसे छोड़ देते हैं, अच्छे से मछली पकने पर हो जाएगा हमारा मसाला फिश फ्राई। तो दोस्तों उसके बाद हम गरम मसाला दे देंगे, फिर हम टेस्ट करके बताएंगे कैसा पका है। तो देखो धीरे धीरे इसका कलर आ रहा है। तो दोस्तों मसाला फिश फ्राई तो हमारा कॉम्प्लीट हो गया है, तो इसमें हम दे देंगे गरम मसाला को। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम नमा लेंगे। तो दोस्तों आप बढ़िया इसे टेस्ट करने की, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। देखो दोस्तों मछली कितनी अच्छी तरह से पक गई है। तो दोस्तों मसाला फिश फ्राई तो बहुत ही टेस्टी पका है, तो इसे चावल के साथ जो लगेगा क्या बताओ, बहुत ही टेस्टी पका है। तो दोस्तों आज का रेसिपी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना तो मत ही भूलना, और एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नई रेसिपी ब्लॉग में, तो चलो आज के लिए टाटा।